हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। डियर किड्स, इन एसेज प्रीवियसली आई हैड एक्सप्लेन यू लेसन 16, अ बिजी मंथ, एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इट्स नोट्स। सो आर यू रेडी किड्स? लेट्स बिगिन। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट इन साइड अ हाउस? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा बर्ड ऐसा है जो हमारे घर के अंदर अपना नेस्ट बनाता है? तो यस, जो स्पैरो होती है वो हमारे घर के अंदर ही नेस्ट बनाती है। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बर्ड डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट? किड्स, कौन सा बर्ड ऐसा है जो नेस्ट बनाता ही नहीं है? तो यस, जो कुकू बर्ड होती है वो अपना नेस्ट कभी भी नहीं बनाती है। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू बर्ड्स डू टू देयर एग्स आफ्टर लेइंग देम? किड्स, जो बर्ड्स अंडे देते हैं वो अंडे देने के बाद क्या करते हैं उसे? यस, तो उन्हें इनक्यूबेट किया जाता है, उनको गर्माहट देते हैं, तो जिसकी मदद से जो अंडे हैं वो हैच होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, दे इनक्यूबेट देम। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट इन अ स्पेस इन द मिडल ऑफ स्टोन्स? कौन सा बर्ड ऐसा है जो स्टोन के बीच में अपना नेस्ट बनाता है? तो किड्स, आपको याद है मैंने आपको चैप्टर में बताया था, जो इंडियन रोबिन होता है वो स्टोन्स के बीच में अपना नेस्ट बनाता है। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बर्ड सिंग्स वेरी स्वीटली? कौन सा बर्ड ऐसा है जो बहुत ही मीठा गाता है? तो यस, जो कुकू है जिसे हम कोयल भी कहते हैं वो बहुत ही मीठा गाती है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बर्ड वीव्स अ ब्यूटिफुल नेस्ट? किड्स, कौन सा बर्ड ऐसा है जो बहुत ही अच्छे से वुवन नेस्ट बनाता है? तो यस, जो वीवर बर्ड होता है वो अपना बहुत ही अच्छा ब्यूटिफुल वुवन नेस्ट बनाता है। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बर्ड हैज अ रेड बीक? किड्स, कौन सा ऐसा बर्ड है जिसकी रेड बीक होती है? तो यस, आपको पता ही है कि पैरट की जो बीक होती है वो रेड कलर की होती है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द डैश बर्ड स्टिचेस लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। किड्स, कौन सा ऐसा बर्ड है जो लीव्स को स्टिच करता है और अपना नेस्ट बनाता है? तो यस, टेलर बर्ड जो है वो लीव्स को स्टिच करके अपना नेस्ट बनाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट इन द होलो ऑफ अ ट्री। किड्स, कौन सा ऐसा बर्ड है जो ट्री के अंदर होल होता है उसमें अपना नेस्ट बनाता है? तो यस, जो बारबेट बर्ड होता है वो अपना नेस्ट ट्री के होल में बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कुकू पुट्स इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अ डैश। किड्स, जो कोयल होती है वो अपने एग्स को किसके नेस्ट में रखती है? यस, वो क्रो के नेस्ट में रखती है। तो हमारा आंसर होगा क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डैश बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। किड्स, कौन सा ऐसा बर्ड है जो ट्री पर बहुत ही ऊंचाई पर अपना नेस्ट बनाता है? तो यस, जो क्रो होता है वो बहुत ही ऊंचाई पर अपना नेस्ट बनाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश इज आवर नेशनल बर्ड। कौन सा बर्ड हमारा नेशनल बर्ड है? यस, जो पीकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बर्ड दैट मेक्स द साउंड ऑफ गूगू इज द डैश। किड्स, आपको पता है ना, जो गूगू साउंड करता है वो कौन सा बर्ड होता है? यस, वो पीजन बर्ड होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश इज अ बर्ड दैट मेक्स होल्स इन अ ट्री ट्रंक्स टू कैच इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड। किड्स, कौन सा ऐसा बर्ड है जो ट्री के ट्रंक्स के अंदर होल्स बनाता है और उसके अंदर से इंसेक्ट्स को पकड़ के खाता है? तो यस, जो वुड पेकर है वो ट्री के ट्रंक्स में होल बनाता है। तो हमारा आंसर होगा वुड पेकर। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ पीकॉक हैज अ क्रेस्ट ऑन इट्स हेड। पीकॉक के हेड पर क्रेस्ट होता है, कलगी होती है ना, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द होलो ऑफ अ ट्री। जो स्पैरो होती है वो ट्री के अंदर एम्प्टी स्पेस में अपना नेस्ट बनाती है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि स्पैरो हमारे घर में या तो हमारे घर के आसपास ही नेस्ट बनाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ट्विग्स, बिट्स ऑफ ग्रास एंड पीस ऑफ पेपर।
किड्स, जो क्रो का नेस्ट होता है वो बहुत सारे ट्विग्स से या ग्रासेस से या तो पेपर से बना होता है, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट बिफोर लेइंग एग्स, जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देने से पहले अपने नेस्ट बनाते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पैरोट इज आर नेशनल बर्ड, पैरट हमारा नेशनल बर्ड है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि पिकॉक ही हमारा नेशनल बर्ड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोज ऑफ अ डक्स फीट आर जॉइंट विथ वेब लाइक स्किन। किड्स, आपने डक्स के क्लोज देखे हैं ना, मैंने आपको चैप्टर में भी बताए थे, तो उसके जो क्लोज होते हैं वो एक वेब लाइक स्किन से जॉइंट होते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्विरल्स टीथ कीप ऑन ग्रोइंग ऑल थ्रू इट्स लाइफ, जो स्क्विरल होती है उसके पूरी लाइफ के दौरान टीथ जो है वो ग्रो होते ही रहते हैं, तो ये सेंटेंस भी ट्रू है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, अ टेलर बर्ड, तो टेलर बर्ड क्या करता है, स्टिचेस लीव्स टू मेक अ नेस्ट, टेलर बर्ड लीव्स को स्टिच करता है और अपना नेस्ट बनाता है। नेक्स्ट इज पिकॉक, तो पिकॉक के बहुत ही कलरफुल फीदर्स होते हैं। नेक्स्ट इज अ पिजन, मेक्स अ नेस्ट इन एन एम्प्टी हाउस, पिजन जो है वो अपने नेस्ट वीरान घरों में या कहीं पर वीरान जगह उनको मिलती है तो वो अपना नेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट इज कुकू, तो कुकू जो है वो अपने अंडे दूसरे बर्ड के नेस्ट में देती है, लेज एग्स इन अनदर्स नेस्ट। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज गिव टू नेम्स ऑफ ईच एस आस्क्ड, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें दो नेम्स बताने हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स, किड्स जो बर्ड्स इंसेक्ट्स और ग्रेन्स खाते हो ऐसे बर्ड्स के हमें नेम्स बताने हैं, तो यस स्पैरो एंड मैना जो है वो इंसेक्ट्स और ग्रेन्स खाते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स दैट मेक स्पेशल टाइप्स ऑफ नेस्ट, ऐसे बर्ड्स के जो स्पेशल टाइप्स के नेस्ट बनाते हो, तो वीवर बर्ड एंड टेलर बर्ड जो है वो स्पेशल टाइप के नेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स दैट बिल्ड्स नेस्ट इन होल और होलो ऑफ ट्रीज, किड्स ऐसे कौन से बर्ड्स है कि जो ट्री के ट्रंक में जो होल होता है उसमें अपने नेस्ट बनाते हैं, तो यस क्रिम्सन ब्रीस्ट बारबेट जिसे कहते हैं और वुड पेकर जो है वो ट्री के ट्रंक में जो होल होता है उसके बीच में अपना नेस्ट बनाते हैं। नाउ किड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स दैट हैव लॉन्ग शार्प डेमोनिक टीथ, किड्स कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसके बहुत ही लॉन्ग शार्प पॉइंटेड और राक्षसी दांत होते हैं, तो यस लायन और टाइगर के आपने टीथ देखे हैं ना, वो कैसे लॉन्ग शार्प और राक्षसी दांत होते हैं उसके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स दैट टैलन्स ऑन देयर फीट, किड्स कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो अपने फीट की मदद से अपने प्रे को पकड़ते हैं, तो ये किड्स जो ईगल और होक बर्ड होता है वो अपने पैरों की मदद से अपने प्रे को पकड़ता है। नेक्स्ट इज बर्ड्स विथ लॉन्ग बीक्स, कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिसकी बहुत ही लॉन्ग बीक होती है, किड्स ईग्रेट और जो स्टोर्क बर्ड होता है उसकी बहुत ही लॉन्ग बीक होती है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, किड्स जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट क्यों बनाते हैं, लेट्स सी द आंसर, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड ब्रिंग अप देयर चिक्स, जो बर्ड्स होते हैं वो अंडे देने के लिए और अपने बच्चों को दुनिया में लाने के लिए अपने नेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू बर्ड्स फीड देयर यंग वंस, किड्स जो बर्ड्स होते हैं वो अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं, लेट्स सी द आंसर, बर्ड्स फीड वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स पीसेस ऑफ रोटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स टू देयर यंग वंस, बर्ड्स अपने बच्चों को रोटी के पीसेस खिलाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स खिलाते हैं या तो फिर डिफरेंट ग्रेन्स भी खिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, नेस्ट किससे बनता है, लेट्स सी द आंसर, द नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राई बिट्स ऑफ हे ट्विग्स एंड बिट्स ऑफ वायर, ये जो नेस्ट होता है वो रूट से ग्रास से या तो टहनियों से बना होता है, ऐसी बहुत सारी चीजों से बना होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डज द क्रो ब्रिंग टू द नेस्ट, क्रो अपने नेस्ट में क्या लेकर आता है, लेट्स
let's see the answer. The crow brings small insects and worms to feed its chicks. Crow अपने बच्चों को खिलाने के लिए small insects और छोटे छोटे worms लेकर आता है. It also brings pieces of roti and grains. वो रोटी के pieces या तो grains भी लेकर आता है. Now, let's see the next question. After how many days the chicks leave the nest? Kids, जो chicks होता है, वो कितने दिनों बाद अपने nest को छोड़ता है? Let's see the answer. The chicks leave the nest and fly away after about 1 month. जो chicks होता है, वो एक महीने बाद जब उड़ने लगता है, तो वो अपने nest को छोड़ देता है. Now kids, our next question is, from what does the Indian robin build its nest? जो Indian robin bird है, वो किसकी मदद से अपने nest को बनाता है? Let's see the answer. The Indian robin builds its nest with the grass, soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. ये सारी चीजों से जो Indian robin bird है, वो अपना nest बनाता है. Now kids, our next question is, how a tailor bird built the nest? जो tailor bird होता है, वो किस तरह से अपने nest को बनाता है? Let's see the answer. A tailor bird stitches two leaves together to make its nest in the middle of the branches of the tree. जो tailor bird होता है, वो tree के branches के middle में दो leaves को stitch करता है और अपने nest को बनाता है. Now kids, our next question is, who are the enemies of birds, eggs and nest? Kids, birds ke eggs aur nest ke enemies kon kon hai? Let's see the answer. Crows, squirrels, cat, rats and mice etc. are enemies of birds, eggs and nest. Kids, jo crow hai, squirrel hai, cat hai, rat hai, ye sare hi kya karte hai? बर्ड्स के नेस्ट को तोड़ देते हैं और उनके अंडे को भी तोड़ देते हैं. तो ये सारे ही बर्ड्स के एनिमीज है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज इनक्यूबेटिंग एग्स मीन? किड्स, इनक्यूबेटिंग एग्स का मतलब क्या होता है? लेट्स सी द आंसर. बर्ड्स सीट ऑन द एग्स, दे ले एंड गिव देम वार्मथ. बर्ड्स जब अपने अंडे देते हैं, तो उसके बाद वो अपने अंडों को गर्माहट देने के लिए उसके ऊपर बैठते हैं. This makes the chicks grow and develop inside the eggs until they hatch. तो वो गर्माहट की मदद से जो एग के अंदर चिक्स है वो ग्रो होता है और वही एग में वो डेवलप होता है और उसके बाद वो हैच होता है. This is known as incubating eggs. तो इसका मतलब होता है incubating egg. Next question is, where do birds stay once they have left nest? Kids, जो birds अपने nest को छोड़ देते हैं, फिर वो कहाँ पर जाके रहते हैं? Let's see the answer. Once birds have left their nest, they stay in various places like on trees, in water, near water bodies or on land. Birds जब अपने nest को छोड़ते हैं, तो वो trees पर या तो water के आसपास या तो land पर या water में रहते हैं. Now, our next question is, how many teeth does a human being have? Kids, हमारे मुंह में कितने teeth होते हैं? Yes, आपको पता है ना, a human beings have 32 teeth. However, there are many people who do not have the complete set of 32 teeth. वैसे तो हमारे मुंह में 32 teeth होते हैं, पर कुछ कुछ लोगों के मुंह में उससे कम teeth भी होते हैं. Let's see the next question. What does a snake do with its teeth? किड्स, आपने स्नेक के टीथ देखे हैं ना, तो वो टीथ की मदद से वो क्या करता है? लेट्स सी द आंसर. अ स्नेक स्टिंग्स बाइट विथ इट्स शार्प क्रूक्ड टीथ. इट आल्सो होल्ड्स इट्स प्रे विथ इट्स टीथ. जो स्नेक होता है, वो अपने नुकीले और शार्प दांतों की मदद से अपने प्रे को बाइट करता है, उसे डंक मारता है और अपने प्रे को अपने दांतों की मदद से पकड़ता भी है. Now let's see the next question. What does the term milk teeth mean? Kids, आपने milk teeth सुना है ना, उसका मतलब क्या होता है? Yes, आपको पता ही होगा. The first teeth that an infant grows are known as milk teeth. जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो पहले दांत आते हैं, जो temporary teeth होते हैं, उसे milk teeth कहा जाता है. So kids, here explanation of objective question and short question answers are completed. In next video, I will explain you brief question answers. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.